हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे एक की होल्डर, जिसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड्स, फेविको ग्लू गन, मॉड पॉज ग्लू, वॉल पुट्टी और कुछ टिश्यू पेपर्स। मॉड पॉज ग्लू बनाने के लिए हमें ग्लू और वाटर की पानी की बराबर कंसिस्टेंसी लेनी होती है। एक वाटरी टेक्सचर होता है जो मॉड पॉज ग्लू कहलाता है। इसकी हेल्प से हम इजी नैपकिंस को इसमें लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, एक एजेस को कवर कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, ये मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो है। अगर मैं कहीं फंबल कर जाती हूँ या कुछ गलत बोल जाती हूँ तो उसके लिए प्लीज़ एडवांस में ही सॉरी। कार्डबोर्ड को जोड़कर अब हम शेड की शेप देंगे। ये कार्डबोर्ड लिया है जिसके सेट से मैंने पील ऑफ कर लिया है। कार्डबोर्ड में नीचे में टेक्सचर आ जाता है एक बार में। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये पेपर जो है पील ऑफ नहीं हो पाता इजीली, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कपड़े को गीला करना चाहिए। उस गीले कपड़े से इसकी एक साइड जो भी हमें पील ऑफ करनी है उसको रब करना चाहिए, जिससे कि इजीली हट जाता है। मैंने विंडोज ड्रा की हैं, अब उनकी कटिंग्स करूंगी और मैं अपनी हट से विंडो बनाऊंगी। तैयार हो गई है विंडो, अब हम इसे चिपकाएंगे। डिटेलिंग्स के लिए विंडो के डोर पर भी हम थोड़ी सी कार्डबोर्ड से कटिंग कर लगाएंगे, जिससे हमारी विंडोज के डोर जो हैं उनमें भी एक 3D इफेक्ट आ जाएगा। चिपका दी है और तैयार है हमारी वाली विंडो। अब इस कार्डबोर्ड को हम विंडो के नीचे लगाएंगे, जहाँ पर हम अपने की होल्डर्स को लगाएंगे। अब आगे आ जाती है मॉड पॉज ग्लू और टिश्यू पेपर को लगाने की। मॉड पॉज ग्लू लगाते जाएंगे और टिश्यू पेपर लगाते जाएंगे। इससे जो है हमारे जो रफ एजेस हैं वो कवर हो जाते हैं, थोड़ी सी फिनिशिंग लुक आ जाती है। तैयार हो गया है। अब रह गए हमारे साइड के कॉर्नर वाले एजेस, तो इसमें हम कवर कर लेंगे। पेपर्स भी लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास कोरियर जो है कोई पोल बैग रखा था, बुक पेपर बैग, तो वही लगा दिया मैंने। न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। मोल्डिंग के लिए हम डिटेलिंग्स देंगे इसमें, जो भी हमें डिटेलिंग्स जैसे भी हमें पसंद है, जो भी हम लगाना चाहेंगे, ऐड ऑन करना चाहेंगे वो सब।
मैं ये ब्रिक का टेक्सचर दे रही हूँ, ईंटों का टेक्सचर है। कटिंग के लिए मैं कटर का यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं एक बेल बनाऊंगी फूलों की। मैं छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करूंगी, जैसे फ्लावर्स, लीव्स वगैरह, पॉट। आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने विंडो की है तो आप डोर बना सकते हैं, स्टेप्स बना सकते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ग्लू की हेल्प से फ्लावर्स वगैरह मैंने छुटका लिए हैं। ये मेरे पास एक स्टोन पड़ा हुआ था, मार्बल, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है लैंप के बल्ब के। ये तार पड़ गया, इसको फोल्ड करके पीछे हैंग करने के लिए हम होल्डर की तरह यूज करूंगी। वाल पुट्टी लेंगे और इसमें पानी डालेंगे। ये भी एक वाट टेक्सचर हो जाएगा, लिक्विड टेक्सचर। मेरा जो ग्लू वाला मैंने डिटेलिंग दी है वो भी क्लीनली है, मॉलिड क्ले वाले जो डिटेलिंग दी है फ्लावर्स की, तो मैं वहाँ इसे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसे यूज़ करने से जो फ्लावर्स बनाए हैं जिन पे मैंने थोड़ा सा टेक्सचर दिया है वो फिर कवर हो जाएगा, तो मैं वहाँ इसे यूज़ नहीं करूँगी। कलरिंग जो भी आपको कलर पसंद आए आप यूज कर सकते हैं। कलर
अब ऐसे ही मैं जो ईट वाला टेक्सचर दिया था ब्रिक्स का, ब्राउन और बर्गंडी की शेड्स को यूज़ करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर दूंगी सेम। ब्लैक कलर करके खूबसूरत बना देंगे। तो ये रेडी है हमारा की होल्डर। मैगन कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।